Hello friends, good morning. Today we are going to learn how to use simple past tense. Okay friends, now let's learn when do we use simple past tense. Simple past tense use kiya jata hai kisi bhi habit ko ya kisi bhi action ko batane ke liye aisa action jo hum past mein kiya karte the. For example, we studied 9 hours every day. That means, hum past mein 9 ghante lagatar study kar liya karte the. Ek example aur lete hain. Suman always carried a pet dog. That means, Suman jab bhi kahin jaati thi, tab vah hamesha apne saath ek pet dog carry karti thi. Matlab, karti थी यानी कि वह उसकी आदत थी जो वह पास्ट में करती थी वह अब अपने साथ पेट डॉग कैरी नहीं करती. हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं किसी ऐसे इवेंट या एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में हुआ था. फॉर एग्जांपल, ही केम यस्टरडे, अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस इन अ बैटल. इन दोनों एग्जांपल्स में हम एक ऐसे इवेंट या एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुका है. फ्रेंड्स, वी आल्सो यूज सिंपल पास्ट टेंस टू डिनोट एन एक्शन व्हिच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन पास्ट. दैट मींस ऐसा कोई एक्शन या एक्टिविटी जो पास्ट में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए चली हो. फॉर एग्जांपल, I lived in America for a long time. We studied biology for 2 years. Okay friends, let's learn the rules. Always remember that simple past tense is the only tense jisme second form of the verb ka use kiya jata hai. Iske alawa hum kisi bhi aur tense mein second form of the verb ka use nahi karte hain. Okay friends, let's start with affirmative sentences. Iska jo rule hai wo bahut easy hai. That is, subject plus second form of the verb plus object. For example, Ram wrote a letter, they wrote a letter. Friends, aap dekh sakte hain ki dono sentences mein humne second form of the verb ka hi use kiya hai. Aur ve hamare subject par dependent nahi hain. That means, agar hamara subject सिंगुलर है या प्लूरल है तब भी हमारी जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसी का यूज किया जाएगा. लेट्स मूव टू नेगेटिव सेंटेंसेस. इसका जो रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अराइज होता है. मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करिए. फ्रेंड्स, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम किसी सेंटेंस में डिड का यूज़ करते हैं तब उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज़ किया जाता है. या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हम केवल सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल देखते हैं. डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फ्रेंड्स, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखते वक्त हम हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, डिड राम राइट अ लेटर, डिड दे राइट अ लेटर. फ्रेंड्स, नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम. पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा और उसके बाद ही इसके जो आंसर्स मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे रखे हैं वहाँ पे जाके चेक करिएगा. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा.